नमस्कार, मैं हूं अंशु। आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। ग्राम पंचायत पटना कला में पिछले कुछ सप्ताह से दो ट्रांसफार्मर जल गए थे। ग्रामीणों के बार बार अनुरोध करने के बाद भी विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था, जिससे परेशान होकर पटना निवासी महेंद्र कुमार पांडे, अनुरोध खामपरिया ने युवा नेता अंकित पाठक के सहयोग से इसकी शिकायत छतरपुर एवं सागर में की गई थी, जिसके बाद पवईपुर विद्युत क्षेत्र वितरण क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी ए.ई. पवई हरदेश कुमार चतुर्वेदी ने संज्ञान लिया एवं पूरे स्टाफ के साथ ग्राम पटना पहुंचकर ग्रामीणों की चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं सुनी, समय पर बिल भरने का अनुरोध किया। साथ ही जिसके घरेलू एवं पंप के कनेक्शन नहीं थे उसको करवाने का अनुरोध किया। विद्युत का फिजूल खर्चा कैसे रोकना है उसके संबंध में ग्रामीणों को जागृत किया एवं श्री चतुर्वेदी ने कहा कि आप लोग अपने बिलों का भुगतान समय पर करें, सभी कनेक्शन लें ताकि हमें ग्राम की सही विद्युत खपत के बारे में जानकारी मिल सके। उस खपत के हिसाब से हम लोग ट्रांसफार्मर की खपत के अनुसार उसको अपग्रेड करा सकेंगे। यदि 25 KV के ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है तो 25 का लगाया जाएगा, 63 KV के ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है तो 63 का, या 100 KV की रहेगी तो 100 KV का लगाया जाएगा। वहीं ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए दूसरे ही दिन दोनों ट्रांसफार्मर बदलवा दिए गए ताकि ग्रामवासियों एवं किसानों को सिंचाई में समस्या का सामना ना करना पड़े। वहीं पूर्व विद्युत वितरण क्षेत्र पवई से हरदेश कुमार चतुर्वेदी, परीक्षण सहायक भारत चौरसिया, लाइनमैन विजय कुमार सहित आधा दर्जन स्टाफ मौके पर मौजूद रहा। पवई से समीम खान की खास। पटना कला सबसे ज़्यादा जब से डैम बना है किसान को उस पानी का लाभ मिल रहा है, लेकिन लाइट कहीं ना कहीं किसानों को बहुत उनके मार्ग में रोड़ा अटका रही, कहीं डीपी जैसे ट्रांसफार्मर जल जा रहा है, किसान इसमें लगातार शिकायत भी कर रहे हैं। इस समस्या से कैसे निपटा जाए, कैसे निदान होगा? एक्चुअली में क्या है, जो समस्या ट्रांसफार्मर के संबंध में बताई जा रही है और यह संज्ञान में मेरे भी आज ही आया है, वो शायद इसी का प्रतिफल है कि मैं आज अभी शाम को शायद 7 बजने वाला है और मैं आपके ग्राम में ही बैठ गया हूँ। तो एक्चुअल में क्या है, जब तक हम उपभोक्ता भी अपने बिल के प्रति ईमानदार नहीं होंगे और नियमित रूप से अपना बिल नहीं भुगतान करेंगे तो समस्या हमारे विभाग को भी आ रही है। आज मुझे यहाँ की जानकारी मिली कि यहाँ कुछ लोगों ने अभी टीसी कटा ली है, जिसके भी ट्रांसफार्मर की टीसी कट गई है, पैसा जमा हो गया है, वो ट्रांसफार्मर का तत्काल बदल दिया जाएगा। परंतु जहाँ पर हमारे बिल जमा नहीं है, लोगों के द्वारा पैसा नहीं जमा किया गया या अवैध रूप से या गलत तरीके से बिजली का उपयोग किया जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई भी लगातार की जाएगी। आप शाम को 7 बजने को है और आप ग्राम पंचायत पटना कला में हैं, किसानों के लिए कोई ऐसी बात रखें जिसमें वो कम से कम अपना बिजली का बिल दे सकें और आपके भी उसमें सहभागिता बने ताकि आपको भी इस समस्या से निदान मिले? सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है और जो सबसे बड़ा कारण है, वो कारण ये होता है कि जो हमारी कनेक्शन है, जो हमारी मोटर है, उस मोटर की सही कैपेसिटी के अनुसार हम कनेक्शन लें। हम गलती ये करते हैं कि हम आजकल एक शब्द सीख गए हैं जिसको हम बोलते हैं फेस टू फेस, जिसको बोलते हैं 2 फेस की मोटर। एक्चुअल में 2 फेस की मोटर नहीं है। आप उसकी कभी रैंकिंग या उसको कभी नाप के देखेंगे तो वो 3 HP से ऊपर का करंट ले रही है। तो आप अपना जो कनेक्शन ले रहे हैं उसको विधिवत सही रेटिंग के आधार पर लें ताकि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, 25 का ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर में कितनी कैपेसिटी पे हम ट्रांसफार्मर को सही से चला पाएंगे, उसके अनुसार हम उस पे आपको बिजली दे पाएंगे। अगर वहाँ पर ट्रांसफार्मर की हमें कैपेसिटी बढ़ाने का भी होगा तो अगर आप सही कनेक्शन लेंगे तो हम अपने वरिष्ठ कार्यालय को भी लेकर कर पाएंगे कि यहाँ पे हमारे ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी 25 की तो उसको 63 किया जाए या 63 है तो उसको 100 किया जाए। परंतु अगर आप भी कम कनेक्शन लेंगे, सही कनेक्शन नहीं लेंगे, चोरी की लाइट जलाएंगे, तो हमारे पास विधिवत कनेक्शन अगर 4 है तो हमारे पास आज ग्राम पंचायत तहसील गुनौर में ताबड़तोड़ एक गांव में कार्रवाई की गई MP विभाग के द्वारा, ताकि समूचे किसानों ने एक साथ बिल जमा किया है कार्रवाई करने पे, तो इस प्रकार की कार्रवाई पवई तहसील या पवई विधानसभा के अंतर्गत देखने को कम मिलती है। इसमें समय आप क्या हमारी कार्रवाइयाँ हो रही है, इसमें अगर आपको छुपी जानकारी नहीं है, कल हमारे द्वारा सीधी कार्रवाई जो हुई है वो हीरापुर ग्राम में हुई थी परसों, और इस तरीके से हम लोग लगातार एक पर्टिकुलर एरिया में पूरी टीमें बना के जा रहे हैं और जो वितरण केंद्र प्रभारी है उनकी भी 2 टीमें लगातार अपने अपने क्षेत्रों में दौरा कर रही हैं। जो भी अवैध मोटरें हैं उनको जब्त किया जा रहा है। आज आपके ग्राम के भी कुछ लोग हमारे ऑफिस तक पधारे थे, उन लोगों ने वहाँ पर काफ़ी सारे वायर भी देखे होंगे, कई सारे लोगों को भी देखा, क्योंकि उसमें गलतियाँ ये थी कि उन लोगों ने 2-2 HP के कनेक्शन की रसीदें कटा ली और 3-3 HP की मोटरें सबमर्सिबल चला रहे थे, तो वो भी एक गलत था। और कई लोगों ने जिन्होंने कनेक्शन नहीं किए ऐसे लोगों के मोटर वायर सब कुछ जब्त कर रहे हैं, तो कार्रवाइयाँ लगातार जारी हैं। बाकी ये है कि चूंकि यहाँ की समस्या के बारे में मुझे शाम को जानकारी मिली तो मैंने सोचा कि एक बार आप लोगों के बीच में शाम को ही बैठ लिया जाए और एक शाम को चौपाल लगाई जाए, आपकी समस्या आप लोगों के मुंह से ही सुनी जाए, क्योंकि लाइनमैन के द्वारा सुनाने में हो सकता है कुछ
कमियां होंगी तो उनको भी मैं साथ में ले। आज साहब का आगमन हुआ रात्रि में, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई रात में अधिकारी हमारे गांव आया है, आए और हम लोगों की समस्याएं सुने। हमारी जो समस्याएं थी, साहब ने यहाँ कैंप लगाकर हमारी समस्याओं का निदान कराया। हमारे दो DTR जो जले हुए हैं उनको सुबह बदला जाना है, साहब ने आश्वासन दिया है। और एक अच्छी पहल की है साहब ने कि जो लोग कनेक्शन अभी तक नहीं करा पाए हैं वो अपने कनेक्शन करा सकते हैं। और